बड़ी खबर है बस्ती से, जहां जिले में रहने वाली 5 साल की मासूम इस समय जिंदगी और मौत से जूझ रही है। बच्ची का नाम माही है, जिसके दिल में छेद है और परिवार की तंगहाली से मजबूर पिता डीएम और माननीयों के दर पर भी पहुंचे, पर कोई हल नहीं निकला। मिली तो सिर्फ निराशा। माही को देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो सरकार मुफ्त इलाज के बड़े बड़े दावे करती है, गरीबों को इलाज कराने के लिए आयुष्मान योजना लाती है, पर ये योजनाएं सरकार के वादे मदद तो नहीं है, लेकिन जनता को इस तरह परेशान जरूर कर रही है। माही के पिता कहना है कि मोदी सरकार की आयुष्मान योजना का लाभ उठाने के लिए वह सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट कर थक चुके हैं, पर अब तक कार्ड नहीं बन पाया है। माही बिस्तर पर ऐसे पड़ी है जैसे वो अपनी जिंदगी के एक एक दिन को गिन रही है। वहीं दिल्ली के मैक्स अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि बच्ची का जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा, पर पिता मजबूर है, जो चाहते हुए भी अपनी लाडली का इलाज नहीं करा पा रहे हैं। पिता का कहना है कि कभी कभी माही के मुंह से खून निकलने लगता है, अब उसे सांस तक लेने में परेशानी हो रही है, अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो अपनी बेटी को खो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तौफीक खान, बस्ती। और चूंकि वो बहुत ही निर्धन परिवार की बच्ची है, उसके पास उतना पैसा नहीं है, 3.5-4 लाख रुपये का एस्टिमेट है, उसी लिए हम लोग 13 जनवरी को बस्ती विवाह मंडप में एक चैरिटी शो कर रहे हैं और स्पेशल केसरिया दूध बेच करके, और हम लोग फंड इकट्ठा करेंगे जिससे उस बच्ची का ऑपरेशन सफल हो जाए और उसकी हम लोग मुस्कान वापस ला सकें। उसमें कौन लोग शामिल हो रहे हैं? उसमें हमने समाज के सभी लोगों को आमंत्रित किया है, जो भी सामाजिक लोग हैं, एक शहर की अपनी बच्ची है गरीब परिवार की, सब लोग आएँ और अपना आ करके योगदान दें जिससे उस बच्ची की जान बचाई जा सके। बातचीत उसमें कुछ टीवी कलाकार हैं, कुछ सेलिब्रिटी हैं, कुछ फिल्मी दुनिया से भी बातचीत चल रही है, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा कौन कौन आ रहा है। क्या समस्या, क्या दिक्कत आ रही है? मेरी बेटी को वो दिल में सुराख है, लगभग 5 साल की है और डाउन सिंड्रोम भी है, उसको ब्लड भी आ जाती है कभी कभी, इसलिए उसके इलाज के लिए प्रयास कर रहे हैं श्री हमारे राणा साहब। सामाजिक लोगों से भी मेरा निवेदन है जो कि इसमें योगदान दे ताकि मेरी बच्ची ठीक हो सके। एक पेपर में न्यूज़ निकाले थे सतीश जी, जिसके माध्यम से राणा जी उसको पढ़े, वो अपना कदम आगे बढ़ाते हुए हमको यहाँ तक लाए। अच्छा, कितनी धनराशि की जरूरत पड़ेगी? लगभग जिस समय प्रॉब्लम इतनी नहीं आई थी बेटी मेरी, उस समय 3.5-4 लाख था, अब इस समय डॉक्टर कितना लेंगे इसका अनुभव नहीं है।